बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। और काफ़ी दिनों के बाद मुझे टाइम मिला है। जैसा कि आपको पता था, कुछ मेरी स्टडीज़ की जो बिज़ी रहा था, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे थे कि सर नेक्स्ट लेक्चर कब आएगा। तो आज का जो ट्यूटोरियल है उस पे कुछ मैंने स्पेशली एडी नैब के जो एस्पिरेंट्स हैं, अकाउंटेंट के जो एस्पिरेंट्स हैं, और इसके अलावा लेक्चरर कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स एसपीएससी के हैं, उनसे बात करना चाह रहा था कि ईडी नैब का और अकाउंटेंट का, चूँकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि सिलेबस अभी अनाउंस नहीं किया तो क्लास कैसे स्टार्ट होगी, और जो ऑलरेडी कोर्स में हैं उनकी तरफ से था कि नेक्स्ट लेक्चर कब आएंगे। हालांकि सिलेबस में जो काफ़ी सारी हमने चीज़ें अवेलेबल की हुई हैं उनको पहले आप तो कंसनट्रेट करें। दूसरे नंबर पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरे से पीआईडी के एग्ज़ाम थे तो उसमें बिज़ी था, तो अल्हम्दुलिल्लाह कल पेपर मेरे ख़त्म हो गए। और अब जो है मेरे पास टाइम है, जितने आप लोगों के सवाल हों आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं वन बाय वन जवाब दूंगा। और जिनके पहले सवालों के जवाब नहीं दे सका वो काइंडली जो है दोबारा सवाल मुझे पूछ लें या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो असिस्टेंट डायरेक्टर नैब का हमने फर्स्ट फेज़ में वो सिलेबस कवर कर रहे हैं जो श्योर शॉट है, और अगर फ़र्ज़ किया उसमें से कुछ एडिशनल चीज़ें आती हैं तो हम उनको जब एफपीएससी इस मंथ के सिलेबस एंड में अनाउंस करेगा तो वो हम पार्ट कवर करेंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी आपसे बताया था कि एडी नैब के लिए कंपटीशन सख्त होगा, और बहुत सारे जो है इसमें लोग अप्लाई भी कर रहे हैं क्योंकि एक चार्मिंग जॉब है। और जब एस्पिरेंट्स ज़्यादा होते हैं तो कंपटीशन ज़्यादा होता है, और कंपटीशन जब ज़्यादा हो तो वही सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होंगे जिनके मेरिट में अच्छे मार्क्स होंगे। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हमने ये कोर्स स्टार्ट किया। और अकाउंटेंट की बात करें तो वो जितनी भी टाइम एफपीएससी अनाउंस करता है उसका सिलेबस जो अनाउंस होता है वही होता है मैक्सिमम टाइम, सिवाय एक आधे टॉपिक के। तो इसलिए हमने बिफोर अनाउंसमेंट ऑफ द सिलेबस हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी। इसके अलावा लेक्चर कॉमर्स की बात करें तो उस पर भी काफ़ी सारे मुझे क्वेश्चन आ रहे थे कि इसके लेक्चर कब आएंगे। तो इंशाल्लाह इसके भी लेक्चर अब फास्ट ट्रैक पे आएंगे। तो मेरा आज का जो ट्यूटोरियल बनाने का मकसद ये था कि जो ऑलरेडी हमारे कोर्स के मेंबर्स हैं या जो वेट कर रहे होते हैं हमारे लेक्चर्स का, लेक्चर्स सारे के सारे तो वेबसाइट पे अवेलेबल, चैनल पे नहीं अवेलेबल होते। अगर आप हमारा कम्प्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.howardacademy.com। ठीक है जी। और अगर आप इन कोर्सेज में जो फेसबुक ग्रुप है या व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस ट्यूटोरियल के डिस्क्रिप्शन में मैं उनके लिंक ग्रुप के भी और फेसबुक ग्रुप के भी शेयर कर दूंगा। और आप व्हाट्सएप करके डायरेक्ट भी कोई सवाल पूछना चाहें या कम्युनिकेट करना चाहें तो पूछ सकते हैं, और आप रेडी रहें। आने वाले टाइम में लेक्चर्स फास्टली आएंगे और आपने सिर्फ और सिर्फ अपने जो है साथ साथ में चलते जाना है और अपने नोट्स वगैरह साथ बनाते रहें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। एंड पे आप इजीली उनको रिपीट कर सकते हैं, रिवाइज़ कर सकते हैं। लेंथी लेक्चर्स को एकदम रिवाइज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ जो आने वाले लेक्चर्स हैं उनको साथ में लेके चलेंगे, अच्छी तैयारी करेंगे, अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, और सक्सेस इंशाल्लाह हमारा गोल है दोनों का, आपका भी और मेरा। मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।